अस्सलाम वालेकुम प्यारे वर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जब आप जेस कैश अकाउंट यूज़ करते हो तो यहाँ पर आपको ये एरर देखने को मिलते हैं, रॉन्ग एम पिन एंटर एंड करेक्ट, प्लीज़ ट्राई अगेन और रीसेट। तो यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, आपका पासवर्ड है, आपका जो अपना पासवर्ड है वो 11 है, 22 है, और आप गलती से 3322 आप इस तरह से पासवर्ड 2-3 बार आप लिखते हो, तो उसके बाद जो आपका जो पिन है वो यहाँ पे ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक बार लिखा हुआ है, मैं दोबारा यहाँ पर ट्राई पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं रॉन्ग पासवर्ड लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दोबारा रॉन्ग पासवर्ड आएगा, यानी कि अगर आप 3 बार पासवर्ड गलत लिखते हो उसके बाद ये ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर मैं दोबारा ट्राई अगेन पर क्लिक करता हूँ, कोई रॉन्ग पासवर्ड लिखता हूँ, तो यहाँ पर जो है मेरा जो है एम पिन यहाँ पर जो है इनकोरेक्ट बार बार बता रही है, यानी कि आपका जो पासवर्ड है आप गलत लिख रहे हो। तो यहाँ पर आपको लिखा होगा रॉन्ग एम पिन एंटर इज़ इनकोरेक्ट, प्लीज़ रीसेट। तो यहाँ पर आपने करना ये कि आपने रीसेट एम पिन पर आपने क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये पेज देखने को मिलेगा, रीसेट एंटर यूर सीएनआईसी नंबर। दोस्तों, आपने जो सीएनआईसी नंबर वो लिखना है जिस पर आपका ये सिम अकाउंट नंबर बना हुआ है। ठीक है, यानी कि आपका जो सिम इस मोबाइल में पड़ी हुई है, इस पर आपने जो अकाउंट बनाया हुआ है, जिस शादी कार्ड पर आपने बनाया हुआ है, वो शादी कार्ड नंबर आपने यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर मैं शादी कार्ड नंबर लिख लेता हूँ फ्रेंड, एनआईसी नंबर लिखने के बाद यहाँ पर आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो आप जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ऊपर लिखा हो रीसेट एम पिन एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, यानी आपका जो तारीख पैदाइश आपके शादी कार्ड के ऊपर लिखा होगा वो आपने यहाँ पर लिखने। तो जल्दी से मैं अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख लेता हूँ फ्रेंड्स। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद नीचे आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको ये डिटेल वेरीफिकेशन लिखा होगा, आपने सेंड एम पिन पर क्लिक करना है। तो ये एम पिन आपके नंबर पर एक कोड आएगा, ठीक है, तो वो कोड आपने उठा लेने। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मुझे यहाँ पर मेरे नंबर पर एक अभी मैसेज आएगा, तो यहाँ पर वो मैसेज मुझे कॉपी करना है। तो यहाँ पर मैं अपना मैसेज देखता हूँ कि मेरा मोबाइल में मैसेज आया हुआ है या नहीं। तो जी बिल्कुल, मेरे नंबर पर यहाँ पर ये मैसेज आया हुआ है, यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पर मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको ऊपर दोस्तों लिखा होगा कन्फर्म न्यू एम पिन, यानी यहाँ पर आपने 4-डिजिट कोड क्रिएट करना है। यहाँ पर मैं 4-डिजिट कोड क्रिएट करना है। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर दिखाता हूँ। चलो जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्रेंड 3 3 और 6 9, और इसको मैं ओके कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर दोबारा दोस्तों आप देख सकते हैं कन्फर्म न्यू एम पिन, यानी कि आपने जो पहला पासवर्ड क्रिएट किया था वो दोबारा आपने यहाँ पर लिखने। तो यहाँ पर मैं दोबारा वो लिख लेता हूँ, यहाँ पर 3 3 और 6 9। ठीक है, और इसको नीचे मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर लेता हूँ। तो आप जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ सेकंड के बाद जो है मेरे जेस कैश अकाउंट का जो एम पिन है वो यहाँ पर रिसेट हो चुका है। ठीक है, पर आपको आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको डन कर लेता हूँ, और यहाँ पर दोबारा मैं वो पासवर्ड यहाँ पर लिख लेता हूँ जो मैंने यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट किया। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ, और अब आप दोस्तों के सामने जो है जेस कैश अकाउंट जो है यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से दोस्तों अपना जो जेस कैश अकाउंट का जो पासवर्ड आपको रॉन्ग आ रहा था, आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी सवाल है आप वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।